are very well. Today I am going to deliver lecture about the lesson unit number 5, page number 35, continue. Unit number 5, continue. I stop terminally waiting for the instructions. और उसके बाद वो खड़ा हो गया मुकम्मल मुस्तली से और वो इंतज़ार करने लगा कि हिदायत दे कोई मुझे. आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स द इंस्ट्रक्टर केम ओवर स्माइल एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ पोलाइटली. और उसके बाद एक जोरा आया एक मिनट में, फिर उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर मिस उस्ताद को कहा जाता है जो हिदायत देने वाला हो या उसको कहा जाता है, उसका इंस्ट्रक्टर आया और उन्होंने जो है मुस्कुरा के उनका तारीफ करा के उन्होंने उनका तारीफ कराया मेरा हनस का और वो बहुत प्यार से. ही हैड अ पुट ऑन ब्राइटी कलर्स वाटर विंग्स टू हेल्प अस स्टे अफ्लॉट. और उन्होंने जो था हमारे जो मुख्तलिफ चमकते हुए कलर्स थे पानी के विंग्स जहाँ पे थी उन्होंने हमें मदद की कि कैसे तैरते हैं पानी में, पानी में तैरने के लिए उन्होंने उनकी मदद की. ही इंस्ट्रक्टेड अस थॉरली अलियान. ही कॉल्ड आउट माय नेम अलाउड. उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने जो है पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे कहा अलियान, उन्होंने उनको बुलाया उसका नाम जोर से. आई टर्न माय फेस टू हिम. जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ही आक्स मी टू पुट माय हैंड इनटू द वाटर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. तो उन्होंने से कहा कि मुझे कहा कि आप अपने हाथ जो है पानी के अंदर मना डाल दो और जैसे एक कपल ने एक मिनट में डाला है. इट मेड मी अ लिटिल बिट कंफर्टेबल. और उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा आहिस्ता से आरामदेह बना दिया. फर्स्ट ही आस्क्ड मी टू गेट इनटू द पूल थ्रू द स्टेयर्स. सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे मुझसे पूछा कि आप जो है इस पूल में जो है आप यहाँ पे स्टेयर कर सकते हो. आई वॉज वेरी नर्वस एज आई स्टेप्स डाउन इन टू द वाटर. जबकि मैं जो था बहुत नर्वस था इसीलिए मैं वाटर में पानी में जो था एक कदम भी नीचे नहीं रख सकता था, डाल नहीं सकता था. माय बॉडी गॉट गोस पम्प्स एट वंस. और मेरे जो मेरा जो जिस्म था ऐसे लग रहा था जैसे अंग पखी होता है इसी तरीके से मना फैल रहा था और एक दफ़ा कर दी. वी वर टोल्ड टू स्टे टू द साइड ऑफ द पूल. हम जो थे हमने उनको कहा कि हम एक पूल के एक साइड में रुक रहे हैं एंड शो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ब्रेथ स्टॉप. और उन्होंने कहा कि हम जो है तैयार कर रहे हैं कि ब्रेथ स्टेप स्टॉप कैसे हो. वन बाय वन एक एक करके द इंस्ट्रक्टर हैज अस ग्रिप द किक बोर्ड व्हाइल ही पुल्ड इट ओवर द वाटर एंड वी वर किक्ड स्मूथली. वन बाय वन जो है इंस्ट्रक्टर ने कहा और उन्होंने हमें पकड़ लिया कि किक जो है कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे जो है पानी के ऊपर खींचा जाता है. और उन्होंने जो है हमें आराम से जो नरमी से उन्होंने जल्दी जल्दी किक लगाना सिखा दिया. प्रिटी सून बहुत ही प्यारे तरीके से जल्दी आई वॉज ऑफ डूइंग दिस बाय माई सेल्फ. और मैंने जो है ये करना खुद ब खुद जो है वो एक्सरसाइज करना सीख ली थी या उसको ख़त्म कर लिया था. आई वॉज ट्रैवलिंग एट अ फास्ट क्लिप अक्रॉस द शॉर्ट एंड ऑफ द पूल. और मैंने जो है जल्दी जल्दी सफ़र किया और जल्दी से मैंने वो जो लाइन क्लिप्स लाइन थी वो पार कर ली और एंड पूल के एंड तक पहुँचा कम टाइम में. आई वॉज मच एक्साइटेड. और मैं जो था बहुत जोश में आ गया था जहाँ मुझे पूरा जोश था विद इन अ वीक, क्योंकि मैं एक हफ्ते में ये सीख गया था. आई वॉज स्विमिंग इन द वाटर एज द बटरफ्लाई विथ माई आईज क्लोज. और मैंने क्योंकि एक ही हफ्ते में सीख लिया था और मैं जो था स्विमिंग पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कि एक बटरफ्लाई होता है, मेरी
आंखें जो थी मैं जब बंद कर रहा था, क्लोज कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पानी में जो हूँ तैर रहा हूँ बटरफ्लाई की तरह। आफ्टर अ फ्यू मोर वीक्स ऑफ ट्रेनिंग और उसके बाद कुछ हफ्तों की और ट्रेनिंग हुई, व्हेन आई सीम टू हैव फिक्स ऑन विथ माई लेग्स और मैंने देखा कि अब मेरी जो टांगे हैं वो जो है मेरी फिक्स हो गई, मतलब सही हो गई है, बिल्कुल सही तरीके से स्विम्स कर सकती है। ही टाइट मी द आर्म स्ट्रॉन्ग और मेरे जो हाथ हैं मेरी जो बाजू हैं वो भी ठीक हो गई, टाइट हो गई और मैं सही तरीके से कर सकता हूँ। थिंग्स वर नॉट क्विक डेट इजी फॉर मी, ये चीज़ें जो थी मेरे लिए इतनी जल्दी और इतनी आसान नहीं थी, बट माई इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी पेशेंट, मगर मेरा जो इंस्ट्रक्टर जो मेरा उस्ताद था जो मेरा सिखाने वाला था वो जो था बहुत मुझे पोलाइट तरीके से प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझे सब से सिखाया। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज और उसके बाद एक कपल उन दिनों के बाद आई वॉज फीलिंग थ्रिल्ड एज वॉज टचिंग द वाटर वेस और फिर मैं महसूस करता था बिना खौफ के कांपने के जैसे कि मैं पानी के लहरों को छू सकता हूँ। आई वॉज फ्लाइंग एज द शीलिंग अक्रॉस द वाटर और मैं ऐसे तैर सकता हूँ जैसे फ्लाइंग हवा में जो है पानी उड़ता है, इसी तरीके से मैं पानी को आसानी से सीलिंग से क्रॉस कर सकता हूँ। आई वॉज इन टू अनदर वर्ल्ड ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन, जबकि मैं और दुनिया में भी मज़ा मार सकता हूँ और इससे मज़ा ले सकता हूँ। लास्ट पैराग्राफ, लर्न टू स्विम वॉज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी बट इन द एंड माई डिलीजेंट पेड ऑफ, कह रहा था तैरना सीखना जो था मेरे लिए ऐसा था जैसे एक खौफ का ख्वाब हो मेरे लिए, मगर उसका जो एंड में जो उसका रिजल्ट निकला वो मेरी सख्त मेहनत के बाद जो मुझे हासिल हो गया ना, बाद मेहनतों के बाद बहुत सारी सख्त मेहनत के बाद उन्हें अपनी मंजिल आ गई, उन्हें तैरना उन्होंने सीख लिया था। नॉट ओनली हैड आई लर्न हाउ टू स्विम बट आल्सो टू रिप्रेस माई फेयर ऑफ वाटर, वो जो था ना सिर्फ सीखना चाहता था कि पानी में कैसे तैरूं, मगर वो जो था उसको भी दबाना चाहता था अपने खौफ को, क्योंकि इसको अपने उसको पानी से खौफ आता था, इस डर को उन्होंने भी भगा दिया। आई हैड ओवरकम माई फेयर ऑफ वाटर एंड आई कुड स्विम एज मच एज आई वॉन्टेड, जैसे कि उन्होंने उनको मात दे दी खौफ को जो पानी से डरता था और उन्होंने कहा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैं चाहता था वैसे ही मैं तैर सकता हूँ। नाउ आई एम स्विमिंग चैम्पियन एट नेशनल लेवल, अब मैं जो था स्विमिंग चैम्पियन बन चुका था और नेशनल लेवल कौमी लेवल पे कह सकता था उसका चैम्पियन बन चुका था। एट दिस पॉइंट इज इन टाइम और उसी मेन इशारा या मेन पॉइंट था उस वक्त में, आई कैन से दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वन हैज़ स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस इन लाइफ एज सेड बाय हेनरी फोर्ड, मैं कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती अगर कोई भी एक मजबूत इरादा कर ले या अपनी आरजू या तमन्ना कर ले अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे किसने कहा था हेनरी फोर्ड ने कहा था कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मगर इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जो आपकी तमन्ना है वो आपको हासिल ज़रूर होगी। आरजू वंस ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैन मैक्स, जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा एक दफ़ा का सबसे अजीम डिस्कवरीज एक आदमी ही बनाता है, वन ऑफ हिज ग्रेट सरप्राइज, उन्होंने एक अजीम जो हैरत अंगेज जो है हमें एक नाम सरप्राइज दिया था, इज टू फाइंड ही कैन डू वाट ही वाज अफ्रेड ही कुड नॉट डू, क्योंकि उन्होंने बना था कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम जो हैं हमें खौफ नहीं आना चाहिए और हम फिर कर सकते हैं। कहते हैं कि एक चीज़ से अगर हम
खौफ सता होंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे। हमें सबसे पहले खौफ को भगाना चाहिए, हमारे जहन में खौफ को निकालना चाहिए, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमारे इरादे जो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। ओके, दिस लेसन इज़ कम्प्लीटेड एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर।